सदाए इत्तेहाद, ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इदारा कर्नाटक में 8-10 साल से काम करता आ रहा है। इस इदारे में 8 मसलक के 8 जमातें जो मुसलमानों में हैं वो शामिल हैं, और जब भी कौम का मसला दरपेश होता है जिससे कौम में इंतशार पैदा होता है, उन मामलों में सारे 8 जमातों के रहबर हजरात जो हैं वो एक जगह जमा होकर इसके बारे में डिस्कशन भी होता है और फिक्र भी होता है। इनका सिर्फ एक ही वाहिद मकसद है कि कौम जो है अमन के साथ रहे, किसी भी तरह का नुकसान कौम को ना हो, माली हो या जानी नुकसान ना हो, ये काम करते आ रहे हैं। आज ये डेलीगेशन हमारे मुजाहिद बाबा जी के सदारत में माइनॉरिटी कमीशन के ऑफिस पहुंचा है। उन्होंने एक मेमोरेंडम भी पेश किया है, उस मेमोरेंडम में बहुत सारे चीज़ों का जिक्र है, और जो परसों वक्फ बोर्ड के CEO अजान के बारे में जो स्टेटमेंट दिए हैं, जो सर्कुलर निकाले हैं, उसकी सख्त लफ्जों में उसकी मजम्मत की है, क्योंकि यह एक ऐसा मसला है इनको सोच समझकर बयान देना चाहिए था। बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की मीटिंग में ये फैसला लिया गया और वक्फ बोर्ड के मेंबरान जो हैं सारी जिम्मेदारी CEO के ऊपर डाल दिए। ये मसला जो है, सबसे पहले हम इंसान हैं, सियासतदान हैं। आज खुसूसन हिंदुस्तान में जिम्मेदार हजरात जो भी स्टेटमेंट देते हैं सोच समझ के देना पड़ेगा, कम्युनल हारमोनी को कोई तरह का धक्का ना हो। ये जो काम इन्होंने, मैं समझता हूं कि इनकी इमेच्योरिटी से स्टेटमेंट दिया गया है। आज सदा इत्तेहाद की गुजारिश है कि आप वक्फ बोर्ड को ताकीद कीजिए कि आइंदा जो भी कदम उठाएंगे सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, ऐसी गलत हरकत नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के मेंबरान CEO के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, CEO जो है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, वो मीटिंग का नंबर भी लिखा है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा ताकीद कर सकते थे कि जो है एहतियात करो, पॉल्यूशन बोर्ड के ये हिदायत है कि तुम्हारा साउंड जो है ज़्यादा ना हो, लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, इस तरीके का दे सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, अजान पर पाबंदी लगा दी। ये सब्जेक्ट जो है
मुस्लिम कौम के लिए इतना सेंसिटिव सब्जेक्ट है, लोग जो है किसी लेवल तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये तुमको खबर नहीं, वक्फ बोर्ड की सरदारत, वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी संभालने वाले मेंबरान जो हैं, सीईओ जो हैं, वहाँ पोस्टिंग होने से पहले, इलेक्ट होने से पहले इस्लाम को अगर अच्छी तरह जान लिए, इस्लाम की जो सेंसिटिविटी है उसको जान लिए, तो आप पूरी खिदमत जो है इम्पार्शियली अदा कर सकते हैं। आज सदा इत्तेहाद का ये कहना है कि हमारे पास वक्फ बोर्ड के सामने हजारों लाखों के प्रॉब्लम्स हैं। पहला प्रॉब्लम यह है कि हमारी जायदाद के ऊपर दूसरों का कब्जा है।